हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो तरह की रेसिपी, वो भी एक ही वीडियो में। और इतनी शानदार रेसिपी की फ्रेंड्स आपको बाज़ार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर में ही इस तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह के बिस्किट। एक हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई और दूसरे हम बनाने जा रहे हैं सूजी के बिस्किट। तो इस तरह से दो तरह की रेसिपी के लिए नान खटाई भी मैं किस फ्लेवर की बना रही हूँ, कस्टर्ड फ्लेवर की। तो फ्रेंड्स देखते जाइए इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड में की नान खटाई बनाई है और सूजी के मैंने बिस्किट बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसको बनाने के लिए। और इतने सॉफ्ट और इतनी आसानी से, वो भी बिना माइक्रोवेव के, सिर्फ आपके लिए ये दो तरह की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसको बनाने के लिए कि हमने ये दो तरह की रेसिपी कैसे बनाई, आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिकूट वैष्णवी किचन। तो फ्रेंड्स आज मैंने यहाँ पर आपके लिए नान खटाई बनाई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ घी लिया है एक बड़ा चम्मच, क्योंकि गर्मी के कारण वो मेल्ट हो चुका है। और यहाँ पर आधी कटोरी मैंने शुगर पाउडर लिया है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से मिक्स करना है कि ये पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए और थोड़ा सा स्मूथ सा पेस्ट इसका बन जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बर्तन भी बड़ा लेना पड़ेगा, छोटे बर्तन में कर दिया मैंने। तो मैं चेंज कर लेती हूँ इसका बाउल, और बड़े बाउल के अंदर इसको इस तरह से करते जाइए फ्रेंड्स। और ये बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। और इसी तरह से हमें इस नान खटाई के लिए चाहिए, तो मैंने जैसे बताया कि एक बड़ा चम्मच घी, आप देसी घी का यूज़ करें, उसी से इसमें टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और गर्मी के कारण थोड़ा मेल्ट था, आपको इतना मेल्ट नहीं लेना है, आपको ठीक ठाक लेना है। अब यहाँ जब तक उसको हम करते हैं, तब तक यहाँ पर मैंने एक बर्तन को गर्म कर दिया, यानी कि आप चाहे तो कढ़ाई को गर्म कर लीजिए या चाहे तो भगोने को गर्म कर लीजिए। अब यहाँ मैंने लिया है एक कटोरी मैदा, जिसके अंदर मैंने आधी कटोरी डाल दी है बेसन। मैदा और बेसन दोनों को डालने के बाद में मैंने यहाँ पर जो है यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। तो एक चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, और साथ ही में मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि मैं कस्टर्ड फ्लेवर की जो नान खटाई बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने आधी से भी कम, यानी चौथाई कटोरी ली है कस्टर्ड पाउडर। अब इन सभी तीनों जो चारों इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे और स्मूथ सा पेस्ट बनेगा। पेस्ट नहीं बनाना है, डो बनाना है अभी फ़िलहाल हमें। अब जो हमने इसको शुगर पाउडर को और घी को जो इस तरह से मिक्स किया था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और या फिर आप पहले से ही बड़ा बर्तन ले और जिसके अंदर ही आप इनको छान लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको इसको और भी ज़्यादा मेल्ट करना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा चलाना है जिससे कि ये क्रीम की तरह बन जाए। अभी मैं ज़्यादा चला नहीं पाई, थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मेरा इस तरह से क्रीमी क्रीमी नहीं बना है। आपको बहुत ज़्यादा चलाना है इसको, जिससे कि ये क्रीमी टेक्सचर इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको हमें हाथों से इस तरह से मिक्स करना है और डो के जैसा लगा करके रेडी करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर छोटी दो चम्मच, एक चम्मच इस तरह से दूध की डाल दीजिए। पानी का यूज़ नहीं करना है, आप दूध लीजिए, इससे थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके दूध डाल करके आपको इस तरह से डो लगा लेना है। मुझे इसमें डो में बिल्कुल भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये ऐसे ही इकट्ठा हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बना लिया है इस ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब इसको नान खटाई की शेप में छोटी छोटी सी हमें गोलियां बनानी है इसकी। तो आप चाहे तो लंबी शेप दे दीजिए, चाहे गोल शेप दे दीजिए, मैं इसकी गोल शेप ही दे रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो इस तरह से हमें इसकी गोल गोल शेप बनानी है, और इसको ज़्यादा फ्लैट नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी फूलेगा। तो इस तरह से हम इसको बना करके रेडी कर लेंगे। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको ओवन में बनाना है तो 180 डिग्री के ऊपर आप इसको बेक करिए। और अगर ओवन में नहीं बना रहे हैं, तो मैं आज आपको ओवन में नहीं बता रही हूँ, आज मैं आपको एक भगोने के अंदर इसको किस तरह से बनाया जाता है या कढ़ाई में कैसे बनाया जाता है, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो ताकि जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है या फिर माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है, वो बहुत ही आसानी से गैस के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। गैस पे क्या, आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको इसको भगोने के अंदर बनाना बताती हूँ। और अगर तवे पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तवा लेना है, फिर एक प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर आपको फॉइल पेपर रखना है, उसके ऊपर आपको ये नान खटाई रख करके ऊपर से कवर करना है बस इसी तरह से। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना हाई रखना है ना लो रखना है।
उससे क्या होगा, और थोड़ी सी देर के अंदर आपको इसको हटा करके देखना भी पड़ेगा ताकि ये नीचे से जले नहीं, इसलिए हमने फॉयल पेपर का यूज़ किया है। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो इडली के सांचे में बनाने जा रही हूँ, तो उसमें भी हम रखेंगे ये फॉयल पेपर ताकि ये नीचे से जले नहीं और बहुत अच्छे से सिक करके रेडी हो जाए। तो मैंने फॉयल पेपर के पीसेस कर लिए हैं कुछ इस तरह से, और उसको इस तरह से नान खटाई को फॉयल पेपर के ऊपर इस तरह से रख दिया है, तो इससे क्या होगा कि ये नीचे से भी नहीं जलेगा और पूरी नान खटाई हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको भी यही फॉयल पेपर लगाना है, और तवे पर बनाना भी मैंने आपको बता दिया कि तवे पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं पिस्ता से। आप चाहें तो इसको पकने के बाद में पिस्ता लगा दीजिए या फिर पहले लगा दीजिए, पहले लगा देंगे तो ये ऊपर से थोड़ा सा जलने का भी रहता है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो बाद में भी लगा दीजिए। तो एक प्लेट में मैं पहले लगा देती हूँ और बाकी की दोनों ट्रे के अंदर बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सेट कर दिया है इडली के सांचे के अंदर इसको, और इधर से हमने प्री हीट कर लिया था भगोने को, गर्म कर लिया पहले से ही। अब इसके अंदर हम ये रख देंगे इडली का सांचा और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ये बन करके रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। 10 मिनट बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे, बीच बीच में आपको चेक करते रहना है। आप देख सकते हैं ये ऊपर से फट चुकी है, मैं इसको और पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऊपर से इसमें क्रैक्स आ रहे हैं ना, तो इस तरह से क्रैक्स जैसे आने लग जाए समझ जाइए कि आपकी जो नान खटाई है वो बन के रेडी हो गई है। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद में आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का आया है। ये देखिए फ्रेंड नीचे से भी नहीं जली है और ऊपर से भी बहुत ज़्यादा भी गर्म है, हाथ में भी नहीं ले पा रही हूँ मैं इसको, थोड़ा सा हमें रखना है ठंडा करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बन करके रेडी हो चुकी है ये, और इतनी सॉफ्ट है और नीचे से भी आराम से सिक चुकी है, ना जलने का डर है ना कुछ। ऊपर से मैंने इसको बादाम से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स है ना कितना आसानी से बनने वाली है हमारी ये नान खटाई, तो आप भी इसको बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाती है और इतनी सॉफ्ट है फ्रेंड्स। और मैंने इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसके अंदर कस्टर्ड का फ्लेवर डाला है क्योंकि हम आज हमने जो बनाई है वो कस्टर्ड वाली हमारी नान खटाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी आसानी से टूट गया है ये, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और कुरकुरा कुरकुरा भी बनेगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए इसको हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। चलते हैं हम दूसरी रेसिपी के ऊपर। यहाँ पर मैंने फिर से एक बड़ा चम्मच देसी घी का लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है वही आधी कटोरी शुगर पाउडर, और उसको अच्छे से मिक्स किया है। थोड़े से बादाम भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं बारीक कटे हुए जो, और एक चम्मच इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं सूजी का बिस्किट। तो सूजी के बिस्किट बनाने के लिए भी हमें उसी तरह से प्रोसेसर यूज़ में लेना है जैसे कि हमने नान खटाई के अंदर लिया था। तो अब देखिए इसको भी हमें इसी तरह से करना है। समय कम होने की वजह से मैं इसको भी नहीं फेंट पा रही हूँ ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है जिसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से फेंटे तो और भी अच्छा टेक्स्चर आएगा। अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा जल्दी में भी हूँ, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर लिया आधी कटोरी मैदा। तो मैं सूजी और मैदा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ इस पर सूजी के जो बिस्किट बना रही हूँ। अब इसको आपको ये करना है, इसके अंदर भी आपको एक चम्मच डालना है बेकिंग पाउडर। तो आप भी इसके अंदर एक चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद में आप इसको चम्मच से मिक्स कीजिए, हाथों से मिक्स कीजिए। आपको इसको डो लगा के रेडी करना है। अब इसको पहले हम थोड़ा चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके अंदर मुझे लग रहा है कि इसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सूजी है ना सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया है इसने अच्छे से। तो अभी हम क्या करेंगे, एक कटोरी के अंदर हम ठंडा दूध ले लेंगे जो कि मैंने पहले से गर्म करके ठंडा कर रखा है, और उसको हमें इसके अंदर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड्स आपको। तो पहले आप इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए, आपको लगता है कि इसमें दूध डालने की ज़रूरत है तो ही आप इसमें दूध डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अभी खिला खिला ही है, हमें इसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच, 1 से 2 चम्मच मैंने दूध की ली है। अब इसको हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है और डो के जैसे लगा करके रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको अच्छे से इसे कर लिया है, इसको और डो के जैसे लगा लिया है। आप इसको जितना जैसे आटा लगाते हैं वैसे इसके अंदर इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसके अंदर जैसे आटे के अंदर लोच लगाते हैं बिल्कुल आप इसको इस तरह से लगाइए। सूजी है तो सारा जो मिल्क था वो अच्छे से इसने अब्सॉर्ब कर लिया है।
अब इसके अंदर चूंकि घी है तो घी की वजह से भी ये इकट्ठा हो चुका है, हमने ठंडा दूध डाला है तो ये इस ऐसे डो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। आप देखिए बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको हम इडली के सांचे में नहीं बनाएंगे, अब हम इसको बनाएंगे एक प्लेट के अंदर और इसकी शेप भी हम देंगे थोड़ी सी लंबी, क्योंकि अब हम सूजी के बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट की तरह इसको लंबी शेप दे देंगे और शेप देने के बाद में थोड़े से उसके अंदर डिज़ाइन भी करेंगे। तो पहले देखते जाइए फ्रेंड्स, मैं इसको बना लेती हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने इसको लंबा शेप दे दिया है और इसको बनाने के बाद में आपको अगर इसके अलावा और भी कोई बिस्किट के रेसिपी चाहिए, जैसे नमकीन बिस्किट, सूजी के नमकीन बिस्किट चाहिए या आटे वाले बिस्किट की रेसिपी चाहिए, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको अब आगे किस तरह के बिस्किट की रेसिपी चाहिए या फिर किस तरह की रेसिपी आप बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की रेसिपी ला सकूं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर चम्मच से ही डिज़ाइन कर दिया है। इस तरह से पूरे बिस्किट्स बना करके आपको इस तरह से चम्मच से इसके अंदर डिज़ाइन करना है तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो मैंने भी इसी तरह से चम्मच से इसमें डिज़ाइन कर दिया है और जब जैसे ही ये बेक हो जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा इसका, मैं आपको दिखाऊंगी जब अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसमें डिज़ाइन भी कर दिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें फॉइल पेपर लगाना है। मैंने फॉइल पेपर नहीं लगाया अभी, तो फॉइल पेपर लगा करके ही आपको प्री हीट करे हुए बर्तन के अंदर इसको रखना है। मैंने बिना फॉइल पेपर के रख दिया था, फिर मैंने इसको निकाला वापस से और निकाल करके फॉइल पेपर लगा के फिर रखा है। तो देखिए 10 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर कलर आने लग गया है बिस्किट में और थोड़े से क्रैक्स भी पड़ गए हैं, इसका मतलब हमारे बिस्किट बन के रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसे हम 5 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे, 5 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद इसको निकाल लिया है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। नीचे से भी देखिए, अब नीचे से भी अच्छी सिकाई हो चुकी है इसकी और इस तरह से हमारे सूजी के बिस्किट जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना फूल चुके हैं ये। तो मैंने क्या है, इनको बहुत पास पास में रख दिया था तो इनको फैलने की जगह नहीं मिली, इसलिए नीचे से एक दूसरे से चिपक रहे हैं इस तरह से। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जब भी रखेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको हर एक बिस्किट के बीच में गैप रखना है क्योंकि ये थोड़ा फूलते भी हैं और फूलने के बाद में इसलिए इनको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरह के बिस्किट बना करके रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड नान खटाई बनाई है और ये हमने सूजी के बिस्किट बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी को एंजॉय करने, आप भी इसे एंजॉय करिए।